आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में हमने कुछ खबर भी चलाई, जिस खबर में जो है हमने साफ साफ जो है अपने दर्शकों को दिखाया कि क्या कुछ हालत जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है डोडा में हो रही है। मजमी देसा का एक ऐसा इलाका, बिछड़ा हुआ इलाका, काफ़ी रूरल एरिया है और रूरल एरिया में कई सालों बाद जो है एक ब्रिज बनने की जो है उम्मीद जो है वहाँ के लोगों को जो है नज़र आई थी। लगभग 80 लाख की लागत से बनाया गया वहाँ पर जो ब्रिज था, उस ब्रिज की जो हालत आज के इस टाइम में है काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। ब्रिज लगभग जो है कंप्लीट हो चुका था, पेंट हो चुका था और कहीं ना कहीं गाड़ियाँ भी वहाँ पर चलाई गई और गाड़ियाँ चलने के बाद स्टार्टिंग में ही जो है उस पर क्रैक आ गए और क्रैक आने के बाद जो है फिर से पुल को बंद कर दिया गया। लेकिन वजह यह है कि उस पर काफ़ी पुराना, लगभग 60 से 70 साल पुराना मटेरियल वहाँ पर लगाया गया और क्या कुछ उस पर किया गया, क्या कुछ एक्शंस उस पर किए गए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं DDC चेयरमैन धनतर सिंह जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा एज ए DDC, क्योंकि DDC इसीलिए बनाए गए थे कि डेवलपमेंट होगी, बदलाव होगा, खास तौर पर डोडा की अगर हम बात करें, और जो बदलाव किस तरह का हो रहा है वो तो आप ग्राउंड पे देख ही रहे हैं। हाल ही में आपने भी खबर सुनी होगी कि पुल की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मटेरियल काफ़ी पुराना आपके भद्रवाह से लाया गया था जहाँ पर जंग लगा हुआ, मटेरियल किसी काम का नहीं था, लेकिन उस मटेरियल को जो है डोडा लाया गया खास तौर पर, और डोडा के उस इलाके में जहाँ के लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि इस पुल की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम इस पर अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और डिपार्टमेंट की अगर हम खास तौर पर बात करें, चाहे वो JE हो, AW हो, एक्शन हो या कॉन्ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, तो कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पर काम किया, कितना सस्ता काम, कितना चीप मटेरियल वहाँ पर लगाया और डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह जो है उसको जो है ओके किया गया, तो इस सब पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से क्या कुछ कमेंट्स इस पर है और आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है इस पर की गई। हाँ, जैसे आपने बताया कि मैं भी उस इलाके में गया था पिछले 15 दिन पहले, देसा गई में मैं गया हुआ था, तो आते आते हम उसी रास्ते से वहाँ पे आए थे और हमें भी देखकर बड़ा अचंभा महसूस हुआ कि लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये पुल नया था और अभी उसकी शायद कोई फॉर्मल इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी, पर पेंट वेंट करके उन्होंने उसको तैयार किया था। तो जब लोगों ने मुझे बताया तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पर गया और मैंने भी देखा कि वहाँ पर उसके जो गार्डर हैं वो एक साइड से वो ब्रेक हो चुके थे और वो जो है लगभग 1 फुट नीचे गार्डर बैठा हुआ था और उस पुल को उन्होंने बंद कर दिया था आसपास से। तो मैंने उसी वक्त वहाँ से SC, उस वक्त के जो SC थे, शायद आज वो रिटायर हो चुके हैं या XEN की बात की जाए, तो मैंने उनको कहा कि ये क्या मसला है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये जो कहीं से पुराना पुल जो था उसको जो है वहाँ पे नया पुल बना था, तो ये हमारे पास ऐसे ही वेस्ट में एक पुल था, तो हमने वहाँ से ला के इसको पुल को यहाँ पे लगाया था, तो अभी उसकी हमने प्रॉपर लोड डाल के उसकी टेस्टिंग नहीं की थी, तो उससे पहले ये बैठ गया तो गाड़ियाँ वहाँ पर चलाई गई, प्राइवेट गाड़ियाँ मे बी वो इनफॉर्मल तरीके से चलाई होंगी, पर फॉर्मली वो कहते हैं कि अभी हमने इसको जो है किया नहीं था और उनका ये कहना था कि अभी उसमें पेमेंट भी हमारी नहीं हुई है, तो मैंने उनको कहा कि इसकी एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, उसमें देखा जाए कि अगर इस किस्म का बोसीदा अगर मटेरियल लगाना है तो उसमें तो अब हमारा डबल खर्चा हो जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा कि हमने उसको इतना कैरेज किया, वहाँ से उसको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया और आज अगर वो वहाँ पे उस हालत में नहीं है तो इसके लिए कौन ज़िम्मेवार है, तो उन्होंने उस वक़्त एश्योर किया था कि हम इसको जो है इंक्वायर करेंगे, इसको देखेंगे, पर मुझे लगता है कि अब तो वो ऑफिसर शायद यहाँ से रिटायर हो गए हैं, सुबकदोश हो गए हैं, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि जो सीरियस नेचर का ये बात है तो मैं DC साहब को बात करूँगा, हमारे ADDC हैं यहाँ पर जो कौंसिल के CO हैं, तो उनसे बात की जाएगी और एक इसकी इंक्वायरी कराने की ज़रूरत मैं समझता हूँ, तो हम उसके लिए एक आर्डर करेंगे और इसको इंक्वायरी करके देखेंगे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन की केयरलेसनेस से ये हुआ है और जल्द से जल्द उसका कोई सलूशन हो, कोई ऐसा तरीका हो कि उन लोगों को भी वो एक सहूलियत जो है वो मिले, क्योंकि सर आपको यहाँ पर रुकना चाहूँगा, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने कहा पुराना पुल था,
तो क्या लगता है आपको कि जो पुराना पुल लाया गया था, क्या उस टाइम उस पुल को नहीं देखा गया? क्या ये पुल उस कंडीशन में है कि उस जगह लगाया जाए? या अगर कितना भी पुराना पुल हो, क्या वो डोडा के इसी इलाके के लिए ज़रूरी था क्योंकि रूरल एरिया है, लोगों को मालूम नहीं है कि पुल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, कितना पुल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर भी उन लोगों पर वो पुल जो है ठोपा गया और कहीं ना कहीं उस पर गाड़ियाँ चली? क्या इंतज़ार था डिपार्टमेंट को कि पुराना पुल लगाने के बाद हादसा हो और इंतज़ार कर रहे थे कि हादसा कब होगा उसके बाद जो इस पर तवज्जा दी जाती? मुझे लगता है कि ये एक केयरलेसनेस का उन्होंने जो है मुजाहिरा किया है। एक रिस्पांसिबल ऑफिसर, चाहे वो जेई हैं, चाहे एई हैं, चाहे एक्सीएन हैं, तो उनको इतनी इतनी तनख्वाहें देकर यहाँ पर नौकरी दी जाती है, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो उसकी क्वालिटी को चेक करें, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करें। तो अगर वो एक ले मैन की तरह अगर ऐसे ही वहाँ से उन्होंने यहाँ पर लाया और अब वो यहाँ पर अगर ब्रेक हो गया, तो अब सरकार का आप देखो कितना पैसा और उसमें लगेगा। सर लगभग 80 लाख रुपए, और 80 लाख में आप उस जगह पे आप गए भी हैं, क्या लगता नहीं था आपको कि 80 लाख में वहाँ पर एक नया पुल और अच्छा पुल बनता? बिल्कुल बन सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर किसने ये प्रपोजल, ये प्लान जो है यहाँ से भेजा और ऊपर से कैसे ये सेंक्शन होके आया? मैं यहाँ से अपने इससे एक चिट्ठी यहाँ पे बनाऊंगा। मैं ऊपर से तो बात की बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड में जो लोग थे, चाहे वो जेई हो, एडब्ल्यू हो या ठेकेदार हो, क्या उन्होंने उस वक्त वो पुल को नहीं देखा? क्या लगता है आपको उनकी लापरवाही यहाँ पर नहीं है? और उसके अलावा कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि जो सरिया वहाँ पर लगाया जाना था वो सरिया जो है लोगों को बेच दिया गया, और वहाँ पर जो जिस क्वालिटी का सरिया वहाँ पर लगाया गया है बिल्कुल घटिया से घटिया है, उस पुल पे जितनी ज़रूरत थी वो वहाँ पर नहीं लगाया गया, तो इस बारे में आप? अब ये तो मैं कहता हूँ कि ये वहाँ के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस वक्त उस चीज़ को लोगों ने बात की, लेकिन मेन काम है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है आगे चुनते हैं, वहाँ पर DDC जो है आगे चुने गए, लेकिन DDC की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, और कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है कि DDC तक भी शायद कुछ हिस्सा शायद गया है जिसको लेके जो है उन्होंने जो है इस बारे में बात नहीं की, और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की उन्होंने जवाब अच्छे से हमें नहीं दिया, तो इसको लेके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उसकी उनकी भी है, और कहीं ना कहीं करप्शन, जहां तक भाजपा की आज हम बात करें, भाजपा जो है करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन जो DDC वहां पर है वो भी भाजपा ही के, कहीं ना कहीं निशानदही जो उन पे भी होती है, इल्जाम उन पे भी लगते हैं कि उनने भी बात नहीं की क्योंकि उनका इलाका था ये, तो मैं कहता हूं आपका भी इलाका है पूरा डोडा आपका इलाका है, लेकिन आपको भी इस पे जो है तवज्जो तब देनी चाहिए थी, और इस पे कोई ना कोई कमेटी, क्योंकि अब इंतजार था पुल जब फाइनल होता गाड़ियां चलती और उसके बाद कोई हादसा होता तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार आप भी होते क्योंकि आपने भी तवज्जो वहां पर देनी। मुझे लगता है कि हमारी कौंसिल को अभी बने हुए 1 साल हुआ है और वो जो काम है वो शायद उससे पहले शुरू हुआ था, ये नहीं है कि ये इसी साल सारा कुछ हुआ है, तो उससे पहले वहाँ पर हमारे जो लोग थे जहाँ की आप बात कर रहे हो, जहाँ पंचायतें थी, देखने के बाद शोर उठने के बाद अब यही है कि भाई हमारे नोटिस में ये जो है 15 दिन पहले बात आई है, तो उस वक्त के जो ऑफिसर्स थे उनके साथ हमने बात की, पर अब वो रिटायर हो चुके हैं, अब उनसे तो परसों रिटायर, हाँ परसों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हालत तो उससे पहले खराब थी, उन्होंने हमें दिसंबर में जनवरी में काम लगाया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस पर जो है इंक्वायरी करेंगे, इसको देखेंगे, तो इंक्वायरी करने वाले कौन है? वही लोग नहीं, अब उनके हायर ऑफिसर जो होते हैं, उनके जो ऊपर सीनियर्स बैठे हैं, चाहे वो SC हैं, चाहे वो चीफ इंजीनियर हैं, तो उनका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, ये थोड़ी है कि भाई वो जो यहाँ पर JE है वही सब कुछ है या JXCN है वही सब कुछ है, ये तो एक ऊपर तक एक सिस्टम बना हुआ है, अगर ये नहीं सुनते हैं तो इनके ऊपर हैं, उनके फिर और ऊपर हैं, तो एक सिस्टम है यहाँ पर, तो हमें अपने इस सिस्टम पर जो है विश्वास करना है। नहीं, क्या लगता है सर आपको, अगर उस पर जो मटेरियल, मैं तो कहता हूँ उस पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा सर्वे उस पर होनी चाहिए, आखिर मटेरियल लगाया क्या गया हो, क्या लगता है उसको अगर मटेरियल घटिया लगाया गया हो तो किस तरह की कार्रवाई जो है आपको लगता है कि उन पर होनी चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट के कोई भी लोग हो या कॉन्ट्रैक्टर हो? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जो सैलरी है उसमें से वो जो है जो उन्होंने सरकार का पैसा जो है उसको तबाही की है, तो उनको रिकवरी भरनी चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट से बात की, उनका कहना है कि अब नया टेंडर लगेगा, उसको थोड़ी फिर स्ट्रेंथ देंगे, तो क्या लगता है आपको पैसा जो वेस्ट किया गया उसका क्या, टैक्स पेयर का पैसा है, लोगों का पैसा है, उस तरह वेस्ट किया जाएगा? तो नहीं, अब एक देखो ना, एक सिस्टम है, अब हमारा डायरेक्ट कोई ये तो है नहीं कि भाई कौंसल खुद जाके किसी को सस्पेंड करेगी या किसी कोई रिकवरी करेगी, कार्रवाई हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत हमारे जो CEO हैं, हमारे DC हैं, उनको हम कहेंगे, उनको एक लिखित में यहाँ से देंगे, तो उसके बाद वो क्या कार्रवाई करते हैं उनको थोड़ा सा टाइम हम देंगे, 15 दिन का वो अगर नहीं करते हैं तो हम उसके हायर लेवल पर जाएंगे, LG साहब से मिलेंगे, हमारे कमिश्नर्स हैं उनसे सब मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे वो शैलेंद्र जी हैं बड़े अच्छे,
कहीं ना कहीं सर लोगों का भी ये कहना है कि जो DDC चेयरमैन यहाँ पर है कहीं ना कहीं भद्रवास है तो भद्रवा पे ज़्यादा नज़र रखे बैठे हैं, लेकिन डोडा भी आप ही का है, पूरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें वो भी आप ही का है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट की नज़र तो आपको बनती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैं चेयरमैन हूँ, मैं कोई भद्रवाह का चेयरमैन नहीं हूँ, एक पूरी कौंसिल जो है हर जगह पे है, यहाँ से हमारे लोग जो है चुन के आए हैं तो तभी कौंसिल बनी है, कौंसिल का चेयरमैन बना, इसलिए मेरा ये बेसिक धर्म बनता है कि मैंने सबका वो करना है, तो उसमें हम आपको पता है कि हम हर जगह जाते हैं, हर जगह लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और वो जो सही बात होती है उसको कहीं ना कहीं जो कंसर्निंग लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं, तो हमने उसमें काम किया है। अब ये है कि अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं वो और बात है, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा या दूसरी बात है कि नई नई कौंसिल है, अभी नया नया सिस्टम है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें कौंसिल को एम्पावर करना था अभी वो हुआ नहीं है, हम बार बार जो है LG साहब को मिलते हैं, जो हमारे कंसर्निंग मिनिस्टर हैं उनको मिलते हैं, जो सेंटर के उनसे बात की जाती है, तो अभी आप देखिए कि ये नया एक सेटअप खड़ा हुआ है, तो अभी उनको भी नहीं पता कि उनकी यहाँ पर कितनी पावर्स देनी है, बाकी स्टेट में कितनी पावर्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं ठीक हो रही हैं, दुरुस्त हो रही हैं, हमें लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। और जहाँ तक रही करप्शन की बात, तो इसमें जो है बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं उनको लोगों की सेवा, यहाँ की सेवा जो है वो करनी है, अगर कोई उसमें कोताही करेगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सर उसके अलावा बात करें स्कूल्स को लेके भी, स्कूल्स में आपने देखा होगा कि हर दिन खबर चलती है कि स्कूल्स में कहीं छत नहीं है, कहीं टीचर्स नहीं है, कहीं बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं है, टीचर्स बिल्कुल स्कूलों से बाहर है, और बच्चों लगभग 400 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, उस्ताद एक है, क्या लगता है आपको इस तरह की एजुकेशन बच्चों को मिल रही है खासतौर पर डोडा के रूरल एरियाज़ में, तो इस बारे में आपका क्या कहना, क्या कुछ तवज्जा जो है आपके द्वारा है इन पे की गई? देखिए हमारा बदकिस्मती से 2 साल जो है पूरे स्कूल बंद रहे, और उस 2 साल में लोगों की आदतें भी थोड़ी सी बदल गई हैं, और सबकी एक ख्वाहिश रहती है, जितने भी हमारे ये हैं टीचर पेशा से लोग, वो क्या है यहाँ पर जो है वो शहरों की ओर टाउन्स की ओर जो है हर आदमी जो है आना चाहता है, और विद द रिज़ल्ट हमारे जो रूरल के जो स्कूल हैं, जो खास करके दूर दूर के स्कूल हैं, उनकी ज़्यादा हमें दिक्कत आ रही है, पर हम सरकार से यही कह रहे हैं कि जो हमारे जो सर्व शिक्षा अभियान जो प्रोग्राम था उसके तहत उस गांव के टीचर को एम्प्लाई किया गया था, उसको रोज़गार दी गई थी, और वो लोग जो है 12वीं और उसके आसपास पढ़े हुए थे, लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने अपनी एजुकेशन को और बढ़ाया और वो अब ग्रेजुएशन या BEd की होगी, तो अब वो कहीं ना कहीं वहाँ से माइग्रेट होना चाहते हैं, लेकिन सरकार की बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी कि उनको जो है वहाँ से हटाना नहीं है, और उसके साथ साथ और भी जो टीचर हैं हमारे जो RBA के तहत लगते हैं, जो किसी कैटेगरी के तहत रखते हैं, तो वो अगर वो यहाँ पर क्लेम करते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो उनको भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हमें अगर नौकरी मिली है, आज के दौर में आप देखिए कि नौकरियां ही नहीं मिलती हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे लिखे पढ़े हैं जो कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट दो और हम जाके वहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन जिनको नौकरी मिली है तो वो अपनी जिम्मेवारी को समझ नहीं रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें, और जो भी जहाँ पर है वहाँ पर ड्यूटी करनी चाहिए, और जो डिपार्टमेंट खास करके हैं उनको भी, हमने पिछली जो हमारी कौंसिल हुई थी तो हमने काफ़ी उनको जो है एक रिजेंटमेंट उनको शो की है, और यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिसका जो है चेयरमैन हमारे CEO हैं, CEO नहीं अपने जो कौंसिल के CEO हैं ADDC, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया है, और उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं अब हम उनसे वो फाइंडिंग्स लेंगे और उस पर फिर विचार किया जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, कहाँ पे इन्होंने रैशनलाइज के नाम पर अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की है तो उसको भी दुरुस्त किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे सब स्कूल जो है इतनी देर के बाद खुले हैं तो उन बच्चों को जस्टिस किया जाए। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स की अभी हालत रूरल एरियाज़ में है,
अगर आपके बच्चे उन स्कूलों में होते तो क्या लगता है आपको उस वक्त आप किस तरह की तवज्जो देते? नहीं नहीं बिल्कुल जैसी हम आज दे रहे हैं वैसे ही तवज्जो देते, क्योंकि क्योंकि अगर आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, 500 बच्चे होते, एक टीचर होता, तो क्या लगता था आपको नहीं, नहीं, कि वो आपके बच्चों को एजुकेशन मिलती? और उसी तरह अगर आप दूसरे बच्चों को भी देखेंगे तो क्या लगता है कितनी कंडेमनेबल है? वो बड़ा कंडेमनेबल है, हम उसके लिए जो है जो क्वार्टर्स हैं जहाँ पर वो बात की जा रही है, बात करते हैं रेगुलरली हम, जो उनको जो है पूछ रहे हैं कि अब इसका क्या सलूशन आपने निकाला है, तो वो कहते हैं कि हमने कोशिश की है। अभी आपने सुना होगा सीईओ साहब का, मैंने एक बाइट देखी तो उन्होंने कहा था कि हमने 80% हालात को सुधारा है, अभी 20% जो है अभी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हमने कहा है कि उसको भी ठीक किया जाए। ठीक तो हो रहा है, हमने वो बाइट भी सर से ली थी, लेकिन ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी कैसे रूरल एरियाज हैं, क्योंकि डोडा काफ़ी रूरल एरिया है, पहाड़ी एरिया काफ़ी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें हैं कि मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अपने बच्चे हैं उसी तरह बाकी बच्चों बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए आपके द्वारा आप क्या कुछ उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी? नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उनको जो है अपने बच्चे समझ कर, क्योंकि हम एक डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन होने के नाते तो हमारे सब बच्चे जो अपने बच्चे हैं तो उनका अच्छी एजुकेशन देना जो है हमारा प्राथमिक धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसके लिए हम जो है पूरी कोशिश करेंगे, और इसको जो है सरकार के साथ डिस्कस किया जाएगा, और ऐसे जैसे स्कूल अगर कहीं पर आइडेंटिफाई होते हैं तो उसके लिए सरकार से बात करके कोई टेम्परेरी बेस पर कोई लिखे पढ़े बच्चों को वहाँ के जो आसपास के उनको कोई एडहाक पर एम्प्लाई किया जाए और उन स्कूलों को जो है ठीक किया जाए, उसके लिए बात करेंगे करेंगे। उसके अलावा सर बात करें RDD डिपार्टमेंट को लेकर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि करप्शन फ्री हम चाहते हैं, लेकिन RDD डिपार्टमेंट में जो है करप्शन जो आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, आप देखते होंगे हर दिन हम खबर चलाते हैं, कभी चाहे मरम्मत का इलाका हो, मजमी का इलाका हो, चाहे और कोई इलाका हो, जगह जगह करप्शन से भरा पड़ा है, लेकिन RDD डिपार्टमेंट में कोई भी कार्रवाई नहीं होती, जगह जगह आप घोटाले देखो, कभी जो है सरपंच ने कमीशन ली, कभी ACD ने कमीशन ली, कभी BDO ने कमीशन ली, जगह जगह सिर्फ कमीशन की बात आती है, तो क्या लगता है आपको कि इस पर आप किस तरह की तवज्जो दे रहे हैं, और जो भी ऐसे ऐसे मसले आपके सामने आ रहे हैं तो क्या कुछ कार्रवाई जो इन पर की जाएगी आगे? देखिए आज की डेट में जब से दफ़ा 370 और 35A ख़त्म हुआ है, अमेंडमेंट 72 और 73 जब से लाया गया है, आज की डेट में पंचायतों को पूरा एम्पावरमेंट जो है की गई है, अब जो भी पंचायत है कोई भी प्लान बनता है काम का वो वार्ड सभा में पास होता है, वार्ड सभाएं की जाए, वहां से जो काम आएगा उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसकी प्रायोरिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है उसमें एक सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन आती है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना खर्च करना है, रूरल कनेक्टिविटी के लिए इतना खर्च करना है, पानी को ठीक करने के लिए इतना, तो वो एक गाइडलाइन ऊपर से आती है, पर उसमें जो है फिर पंचायत का काम बनता है कि वो उसको प्रायोरिटी कैसे उसको फिक्स करनी है, और उसके बाद आप देखते हैं कि जितना भी इसकी पेमेंट होती है वो सरपंच के DSC से होती है, सरपंच जो है वो पूरी उसको ताकत है पूरी, उसके बिना कोई भी ब्लॉक वाला पेमेंट नहीं निकाल सकता है। अब बात कहाँ पे आती है कि हमारे लोग जो मैंने देखा कई जगहों पे, ठीक है मैक्सिमम लोग अच्छे होंगे लेकिन कुछ एक लोग जो है वो उस क्वालिटी का काम करते नहीं हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर उनके साथ कोई उनकी जो है बारगेनिंग होती है, तो वो कुछ पैसे जो है उनको देते हैं निकाल के, कुछ वो खुद खा जाते हैं, और उस विद द रिज़ल्ट जो है ग्राउंड पे काम जो है अच्छे नहीं होते। लिहाजा मेरी आपके माध्यम से लोगों से ये अपील है कि लोग जो हैं अच्छा चयन करें, अच्छे लोगों को आगे लाएँ, क्योंकि इलेक्शन में भी तब क्या होता है कि जो लोग पैसे बांटते हैं, जो लोग राशन बांटते हैं, जो लोग तेल बांटते हैं, शराब बांटते हैं, तो लोग उनको वोट करते हैं, तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि लोग अपने आप को उस 500,000 में ना बेचकर अपना जो पूरा भविष्य है अपने 5 साल के लिए अच्छे आदमियों को चयन करें, और पूरी पावर जो है इस सरकार की ये खासियत है कि आज पंचायतों के पास दी हुई है, तो अगर लोग अच्छे लोग चुनकर नहीं लाएंगे तो फिर उनको ये भुगतना पड़ेगा, और अगर हम ठीक होंगे, हमारी पंचायत ठीक होगी, हमारा BDC ठीक होगा, DDC तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई BDO या ACD या डिपार्टमेंट कोई गलत कर सकता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम हमारे लूपहोल होते हैं, हमारे सरपंचों के होते हैं, हमारे दूसरे लोगों के होते हैं, उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ, बल्कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर है तो सरपंच है, पंचायत है, उससे ऊपर ठीक है हमारे जो BDC हैं DDC हैं उनके पास कोई
DDO पावर नहीं है, कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो अपना प्लान रख सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, या नीचे के वो जो प्लान उनको चेक कर सकते हैं, पर जितना आज की डेट में सरपंच पावरफुल है उतना कोई नहीं है। तो अब ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ को जो है अपने ईमानदारी के साथ करें और ज़मीन पर जो है काम करें, लोगों की सेवा करें, ताकि हमें दोबारा फिर पंचायत में जाने का मौका मिले। तो ठीक है, कुछ एक एम्प्लाइज हमारे ठीक है वो गलत हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, और कहीं जो कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है या अगर हमारे पास आती है तो हम उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं, पर जब हम थोड़ा सा उसको कसते हैं तो लोग आपस में फिर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा कोई अगर ऐसी बात आती है तो वह फिर उसके बाद दिखते नहीं हैं। तो अब ये लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि लोग किसी एक चीज़ के पीछे पूरे से पड़े और फिर कहीं कंप्रोमाइज़ ना करें, तो हम उनके खिलाफ़ जो एक्शन भी ले सकते हैं, उनको जो है दुरुस्त भी किया जाए। उसके अलावा कैपेक्स बजट की अगर हम बात करें, इसे कहा जा रहा था कि इतना यूटिलाइज हुआ 90% 85% या 95% जो यूटिलाइज हुआ, लेकिन देखा जा रहा है कि PMY के जो केसेस हैं या नरेगा की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा था कि जैसे लोगों को घर मिलेंगे लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं, अभी भी लोग जो है महरूम है। और कहीं ना कहीं हाल ही में एक ऑर्डर भी निकला है ACD की तरफ से कि जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी जो है सैलरी बंद कर दी गई क्योंकि उनका प्रोसेस स्लो है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि हमसे जो है कुछ मांगा जा रहा है जो हम नहीं दे रहे हैं, जिसको लेके जो है हमारे काम जो है नहीं किए जा रहे, हमें ये घर नहीं दिए जा रहे। तो इस सब को लेके आपका क्या कहना है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन जो हमें दिखती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहूँगा कि घर जो है वो सरकार दे रही है, वो ऊपर से जो है नाम ही नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्लो हो रहा है उसमें देखिए आप, उसकी जो प्रायोरिटी फिक्स करने का काम है तो वो तो कहीं ऊपर से ब्लॉक से हो नहीं सकती है। ब्लॉक के BDO को क्या पता है, या BDC DDC को उतना पता नहीं हो सकता जितना एक सरपंच को है, एक पंच को है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है। अब वहाँ पर अगर वो भाई भतीजावाद करेंगे किसी ने, तो वो किसका कसूर है? वो उन, या तो फिर उन लोगों का डराया जाता है कहीं ना कहीं लोगों से, अब ना जाने क्यों उनका नाम फिर नहीं रखा जाता है। कहा जाता है जब तक आप हिस्सा ना दोगे तो तब तक आपका काम नहीं। पर देखो आज की डेट में जो है जिसका एक बार सेक ID बन जाता है, जिसका नाम आया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, टेम्परेरी फेज में आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि जिन लोग सरपंचों ने या जिन BDOs ने IAY की पेमेंटें नहीं की, उनकी पे बंद हो गई, उनकी जो है सैलरियां बंद की रहे कर रहे हैं कि भाई आप जाओ ग्राउंड पर काम करो, सरकार अपनी तरफ से कर रही है। हाँ ठीक है, अब ये है कि भाई जिसका नंबर 15 है उसको जो है वो 5 पर लाते हैं, जिसका 5 पर है वो 15 पर ले जाते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत वो है कि भाई प्रायोरिटी में चेंज आ सकती है, पर ये है के सरकार में जो है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। जो वाकया ही जो डिजर्विंग है उसको वो लिस्ट बनी है, एक वेरिफिकेशन हुई है, तो उसमें जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे उससे पहले 6,000 घर जो है उनकी सैंक्शन यहाँ पे आई थी, तो आने वाले समय में उसको और बढ़ाया जाएगा। हालांकि हमारे पास काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो एक मोदी जी का एक टारगेट था कि 2024 तक कोई भी आदमी घर के बिना ना रहे, पर ये एक रेगुलर प्रोसेस है। आप देखिए कि 2011 के सेंसस के बाद यहाँ पर और बहुत सारी फैमिलीज बड़ी हैं, बड़ी बाइफर्केशन हुई है। अभी उन लोगों के पास ना राशन कार्ड है, ना उनका कोई सेक ID है, और कहीं पर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। पर उससे पहले के जो लोग जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास सेक ID बनी हुई है और वो वाकई ही डिज़र्विंग है, तो उनके लिए कोई घरों की कमी नहीं है, उनको जो है सेंक्शंस आ रही हैं और उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत ये जो है ये हमारे ही लोगों के कारण सुधार में लाया जाए, बिल्कुल इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकार का वो है कि आखिरी तक हर आदमी को घर देना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में उसको ठीक किया जाएगा और हर आदमी जो है घर दिया जाएगा। सर, उसके अलावा आखिर में फिर से वही जानना चाहूँगा कि जिस तरह का केस आपको बिमना देसा का बताया गया कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, फिर से मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको कि अगर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वहाँ पर बनती है, क्या लगता है आपको डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी कल्प्रिट वहाँ पर होगा क्या उसको सज़ा वहाँ पर मिलनी चाहिए? बिल्कुल 100% कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक आसपास के पूरे एरिया में एक मैसेज जाए, बाकी एम्प्लॉइज को भी एक मैसेज जाए कि जो इररिस्पॉन्सिबल अफसर हैं, जो है इस नेचर के अफसर हैं कि जो देखते ही नहीं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और उस पर जो है लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उनको मैं कहता हूँ वो डेडवुड में डालना चाहिए। सर, लगभग 40,000 की आबादी है,
और उन्होंने लगभग 150 से ज्यादा गाड़ियां जो दिन में वहां से चढ़ती है, जब 150 गाड़ियां वहां पर चलेगी या कुछ गाड़ियां एक साथ पुल पे होती है और हादसा हो जाता तो कहीं ना कहीं बाद में फिर पछताया जाता है, क्यों जो है पहले इस पे तवज्जो नहीं जाती। तो नहीं, इस बारे में आखिर में यही है कि मैं उनको जो है जल्द ही एक मीटिंग उनकी कॉल करता हूँ, जो उसमें हमारे SC हैं या XEN हैं उनसे बात करेंगे तो उन्होंने क्या उस पर लॉ ऑफ एक्शन तैयार किया है, क्या उनकी प्लानिंग है, उनसे बात करेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बात हुई और वो क्या करने जा रहे हैं। हम जल्दी ही उनको बुला के उनके साथ बात करते हैं। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे DDC चेयरमैन धनतर सिंह जी, और इनका साफ साफ यही कहना था कि कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरह की हालात अभी पूरे डोडा की है, कहीं ना कहीं करप्शन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हाल ही में जो स्टोरी चली कि बिमना देसा का एक इलाका था जिस इलाके में जो है पुल का काम हुआ था, 80 लाख की लागत से वो पुल जो है बनाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं जो पुल पे मटेरियल लगाया गया था काफ़ी ज़्यादा पुराना था, लगभग 90-60 का मटेरियल लगाया गया था, जिससे कहीं ना कहीं पुल में जो है दरार आ गई, क्रैक्स आ गई गाड़ियां चलने के बाद, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, और खासतौर पर DDC चेयरमैन का साफ साफ यही कहना है जो भी उस पर जो है जुर्मदार पाया जाएगा उसके लिए जो है सज़ा होगी। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं DDC चेयरमैन धनतर सिंह जी, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर डोडा से, और उसके अलावा बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नज़र जमाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं करप्शन को ख़त्म करने के लिए जो है हमेशा खड़े हैं। उम्मीद और तवक्कुल उनसे ये भी रहेगी कि डोडा पर नज़रसानी की जाए, और जो काम अभी दिखाया गया जो पुल की हालत यहां पर दिखाई गई, जो करप्शन जगह जगह चाहे वो रूरल RRD डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर R&B डिपार्टमेंट में हो, जो करप्शन यहां पर देखी जा रही है और जो हालात यहां पर देखी जा रही है उस पर कार्रवाई की जाए, और जो भी कल्प्रिट यहां पर होगा उसको जो है सजा दी जाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।